हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अक्सर हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये उनका आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है या फिर वो अहंकारी हो रहे हैं, ईगोइस्टिक। आप भी ऐसे उन लोगों में से एक हो सकते हैं जो इन दोनों ही इमोशंस के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही इमोशंस अपने लिए सेंस ऑफ प्राइड को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन हमारा विश्वास कीजिए, अहंकार और आत्मविश्वास एक ही लाइन के दो एंड्स की तरह है और इसीलिए इनके डिफरेंसेस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को जानने से पहले आइए सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो को ठीक से समझ लेते हैं। ईगो मतलब अहंकार, ये एक नेगेटिव इमोशन है। जब आप जानबूझकर दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं तो ये एक इमोशन है। आप पैसे, पावर, राइट्स या फिर प्रेजेंस के मामले में अपने से छोटे या फिर कमजोर लोगों को कंपेयर करते हैं और जब आप ऐसे खुद को कंपेयर करते हैं तो आप दूसरों की तुलना में खुद को बेहतर, बड़ा और शक्तिशाली महसूस करते हैं। वहीं दूसरी ओर सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान, ये एक पॉजिटिव इमोशन है। आप जो हैं और जो आप हैं आप उस पर प्राउड करने की फीलिंग रखते हैं, ये इस तरह की एक पॉजिटिव फीलिंग है। जब आप पैसा, पावर, सिचुएशन और प्रेजेंस की परवाह किए बिना आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं और लोगों को एक्सेप्ट करते हैं तो आप सेल्फ रेस्पेक्ट से भर जाते हैं। ये सिर्फ खुद से जुड़ी हुई एक फीलिंग है। आप में सेल्फ रेस्पेक्ट लोगों को और चीजों की परवाह किए बिना ही आती है। तो चलिए अब जानते हैं कि ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट के बीच क्या डिफरेंसेस हैं और वो कौन से सिचुएशंस हैं जिनमें आप ईगोइस्टिक फील कर सकते हैं और कब आप सेल्फ रेस्पेक्ट फील करते हैं। जब आप ईगोइस्टिक होते हैं तो आप खुद का सम्मान करते हैं और जिन्हें आप खुद से बेहतर मानते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों का। ईगो के अंदर इंसान सिर्फ मैं, केवल मैं मतलब सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, अपने मतलब के बारे में सोचता है, भले ही वो दूसरों को हर्ट करने की कीमत पर ही क्यों ना हो। इससे भी बुरी बात ये है कि आप इसके लिए दोषी भी खुद को महसूस नहीं करते। अगर आप हमेशा लोगों के साथ कंपैरिजन और कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं और किसी भी कीमत पर दूसरों को हराना चाहते हैं तब आप ईगोइस्टिक होते हैं और ऐसे सिचुएशन के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, गलत रास्तों को चुन सकते हैं सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्टि दिलाने के लिए, जो कि गलत बात है। अगर आप नए लोगों और सिचुएशंस से डरते हैं तो मतलब आप ईगोइस्टिक हो सकते हैं और आपके डरने का रीजन ये है कि आप सोचते हैं कि नए लोग या सिचुएशंस आपके नेगेटिव सेल्फ प्राइड फैक्टर को दूर कर सकती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए जरूरी है कि आप नए लोगों से मिले और सिचुएशंस को हैंडल करें। आप अपनी मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स और सेल्फ ड्राइव्स की वजह से भी इगोइस्टिक हो सकते हैं। जब लोग एक महंगा मोबाइल या फिर नई कार खरीदते हैं तो कई बार ये आपके अहंकार को और ज्यादा बढ़ा देता है और ऐसे में वो खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं। लेकिन जब ऐसे लोगों के पास पैसा और पावर नहीं रहती है तो उनका अहंकार मतलब उनका ईगो बिल्कुल बिखर जाता है और इंसान खुद को बेबस फील करने लगता है। इसीलिए ऐसी फीलिंग्स से बचने के लिए आपको खुद के अंदर ईगोइस्टिक फीलिंग्स को लाने से बचना चाहिए। ईगो एक ऐसी फीलिंग है जो आपको नेगेटिव सेल्फ प्राइड से आने वाली नेगेटिव फीलिंग से भर देती है। ये नेगेटिव फीलिंग्स हेट, जेलस, एंगर, ग्रीड, इम्पेशेंस और इसी तरह की बहुत सारी चीजों से होती है। एज अ रिजल्ट कुछ लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं और लोगों को मिसयूज करने से भी नहीं हिचकिचाते। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से ईगोइस्टिक है तो वो लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और जब लोग आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करते हैं तो आप उनके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन वहीं अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस को वो पूरा नहीं कर पाते तो आप हर्टेड हो जाते हैं और उनके बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना दूसरों की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ होती है। अगर आप में ईगो फीलिंग ज्यादा है तो आप कभी दूसरों की राय नहीं पूछते। आपके अकॉर्डिंग आप जो भी करते हैं वो सब सही है, आप जो भी करते हैं वो सबसे अच्छा है और ऐसे में आप अपने डिसीजंस दूसरों पर थोपने लगते हैं। क्योंकि आप ईगोइस्टिक हैं तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे और वे आपसे बचकर भागेंगे। रीजन साफ है, क्योंकि आप उनके साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करते हैं।
वो आपसे डर सकते हैं और आप पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और इसीलिए वो आपसे प्यार भी नहीं कर पाते। बात अगर सफलता की हो तो ईगोइस्टिक लोगों को लगता है कि वो सबसे बेस्ट हैं और उनसे बेहतर कोई नहीं है, लेकिन जब वो लोग असफल होते हैं तो उनका अहंकार बिट्स और टुकड़ों में बिखर जाता है। उन लोगों को बहुत बुरा महसूस होता है। अहंकार मतलब ईगो एक कमजोरी है। अगर आप ईगोइस्टिक हैं तो प्रशंसा आपको मजबूत बनाती है और अगर कोई आपकी आलोचना करे तो वो आपको कमजोर बनाती है। हाँ बिल्कुल, और ऐसे सिचुएशन में आपको खुद को संभालना बेहद मुश्किल लगता है। अगर आप एक ईगोइस्टिक पर्सन है तो आपका ईगो कभी भी किसी की तारीफ करने से आपको रोकेगा और उनकी अकम्प्लिशमेंट्स और उनकी क्रेडेंशियल्स के लिए भी। इसी वजह से ईगोइस्टिक लोग क्रिटिसिज्म और ब्लेमिंग में सबसे आगे होते हैं। ईगोइस्टिक लोगों की एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि वो लोगों के डिसीजंस से डरते हैं और इस बात के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि लोग उनके बारे में क्या महसूस करते हैं और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ईगो एक ऐसी वॉइस है जो आपको लालची बनाती है, जो कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं की ओर आपको ले जाती है। ये डिजायर्स आपको आपके प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करने से भी रोकती है। ये तो बात थी ईगोइस्टिक पर्सनालिटी कैरी करने वाले लोगों की कि वो अपने ईगोइस्टिक बिहेवियर की वजह से डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं और क्या सोचते हैं। तो अब ये भी जानना बेहतर रहेगा कि जो लोग आत्मसम्मान से भरे होते हैं उनका नजरिया क्या होता है डिफरेंट परिस्थितियों में डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। जब आप अपनी पावर, पैसे, पॉपुलैरिटी, रिकग्निशन ये सब कुछ होने के बावजूद अपने आप को और सभी दूसरे लोगों को सम्मान देते हैं, तब आप होते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट से भरे हुए। स्वाभिमानी होने का मतलब है कि आप सभी के हितों के बारे में सोचें, आप हमेशा सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट करें और आपने कभी किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई हो। जब आप कभी भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करते और एक बेहतर व्यक्ति बनने की कोशिश में आप केवल खुद से कंपीट करते हैं, तब आप सेल्फ रेस्पेक्ट से भरे होते हैं। स्वाभिमानी होने की वजह से आप खुद की रेस्पेक्ट करते हैं, जो आपको कुछ भी गलत करने से रोकता है। सेल्फ रेस्पेक्ट आपको हमेशा सही रास्ता चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह आपको इंटरनली स्ट्रांग बनाती है, जिससे आप टफेस्ट सिचुएशन को भी आसानी से हैंडल कर लेते हैं। जिन लोगों में सेल्फ रेस्पेक्ट पीक पर होता है उनको किसी से कोई डर नहीं होता। इसके साथ ही वो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ नए लोगों का वेलकम भी करते हैं, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट एक इंटरनल क्वालिटी है जो मटीरियलिस्टिक फोर्सेस से पंप्ड नहीं होती। जब आप मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स को खो देते हैं तो भी आपका आत्मसम्मान बना रहता है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं जाता। जब आप खुद की इज्जत करते हैं तो आप दूसरों से प्यार करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, आपका स्वाभिमान आपको कभी ऐसा नहीं करने देता। इसके अलावा आप दूसरों की मदद करते हैं और जब भी उन्हें आपकी जरूरत होती है तो आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल भी रहते हैं। आत्मसम्मानी लोग मतलब सेल्फ रेस्पेक्टेड लोग दूसरों से अपेक्षाएं नहीं करते, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करते, और इसीलिए उनका सर्कल क्वालिटी लोगों का होता है, क्योंकि वो अपनी अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस के कारण कीमती लोगों को नहीं खोते हैं। आत्मसम्मान से भरे व्यक्ति दूसरों की राय लेना चाहते हैं और उसे महत्व भी देते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपना फैसला दूसरों पर नहीं थोपते और अगर उनको कोई बेटर सॉल्यूशन देते हैं तो वो उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जिन लोगों के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट होती है उनके आसपास का एनवायरनमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है और लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। सेल्फ रेस्पेक्टेड लोग सफलता या असफलता के मामले में ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते और इसीलिए फेलियर्स उनके स्वाभिमान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और ऐसे लोग अपनी असफलता में भी सफलता निकालने की कोशिश करते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट एक ताकत है। अगर आप आत्मसम्मान से भरे हैं तो आप प्रेज और क्रिटिसिज्म दोनों के प्रति नॉर्मल बिहेव करेंगे। कोई भी आपकी तारीफ करे तो आप ज्यादा प्रशंसा का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करना जरूरी नहीं समझते, और जब आपको कोई क्रिटिसाइज करने लगता है तो आप उसके पीछे की वजह को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट है। जब आप आत्मसम्मान से भरे होते हैं तो आप हमेशा अपने गुडविल और अचीवमेंट्स के लिए दूसरों की सराहना और उनकी प्रशंसा करते हैं। आप दूसरों की बुराई करने से पीछे हटते हैं।
अगर कोई कहीं कोई गलती करे तो आप उन्हें अपनी मिस्टेक्स का एहसास करवाते हैं, वो भी बहुत सौम्यता से, मतलब बहुत ही आइडियल तरीके से। आत्मसम्मान मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट, आप केवल इस बारे में चिंतित हैं कि आपके बारे में लोग क्या महसूस करते हैं, आप लोगों के निर्णयों के प्रति उदासीन हैं। अगर आप ज्यादातर टाइम यही सोचते हैं कि आपको सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए, दैट मीन्स आप ईगोइस्टिक बनते जा रहे हैं। स्वाभिमान मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट, ये एक ऐसा गुण है जो आपको धन्य और संतुष्ट महसूस कराता है। जब आप आत्मसम्मान से भरे होते हैं तो आप हमेशा खुशियों से भरे होते हैं। उन लोगों के आसपास रहने की कोशिश करें जिन्हें आप डाउन टू अर्थ कहते हैं। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, ये इसलिए क्योंकि ये लोग किसी भी असेट से ज्यादा वैल्यू कैरी करते हैं, मनी, पावर, प्रेजेंस, रेस्पेक्ट और किसी भी दूसरी मटीरियलिस्टिक चीज से। ये अहंकारी लोगों के बिल्कुल विपरीत होते हैं, जो कि दिखावे में बिलीव नहीं करते। ये लोग आपके लिए अच्छे हैं और जो आपका सम्मान करते हैं। जब भी आपको जरूरत हो तो वो आपकी राय पूछते हैं, आपकी मदद करते हैं। जब वे आपके आसपास होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है हमेशा। क्या आप जानते हैं कि ये लोग कौन हैं? ये वही स्वाभिमानी लोग हैं जो आपके आसपास हैं, जिन्हें हम डाउन टू अर्थ लोग कहते हैं। अपने प्राइड ऑफ ऑनर को ध्यान में रखते हुए हम सभी के लिए स्टेबल रहना जरूरी है। ये लोग स्थायी हैं क्योंकि यह किसी भी कारण की परवाह नहीं करते। जब आप अपने आंतरिक संयम को जानते हैं, मतलब अपने इंटरनल हैप्पीनेस और प्रेजेंस को जानते हैं, तो आप स्वयं का सम्मान करते हैं और इसके अलावा आप दूसरों का भी सम्मान करते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट, अगर आपके अहंकार के गौरव की नींव अस्थायी है, ऐसा इसीलिए क्योंकि भौतिकवादी कारण आपके अहंकार को भगाते हैं। जब कारण खत्म हो जाते हैं तो आपका अहंकार बिखर जाता है और इसके साथ आप भी। तो अब आप देखिए कि अहंकार और आत्मविश्वास के बीच बहुत पतली रेखा है, यह इससे बहुत अधिक है। यह आपको चुनना है कि आपको अहंकारी बनना है या फिर सेल्फ रेस्पेक्टेड बनना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और सभी के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी टैप कीजिए ताकि आने वाली कोई भी नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो जल्द हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।